क्या हुआ? सुना है कि राय साहब को हार्ट अटैक आया है? नहीं, डॉक्टर आने वाला है। ओफो, तुम तो कमाल करते हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे बैठो डॉक्टर, क्या जान ले ली। दरअसल क्या आजकल के बच्चे न अपने बुजुर्गों की बात समझते हैं न उनके जज्बात को समझते हैं, तो ऐसा झूठ मूठ का नाटक तो करना ही पड़ता है ना। अब अपने पोते राज की शादी करने के लिए मैं भी झूठ मूठ का हार्ट अटैक का नाटक कर रहा हूँ। मेरा साथ निभाना डॉक्टर। अरे मेरा सर इतना भारी है भाई, एक ब्लैक कॉफी पिलाओ। क्या हो गया काकी, क्या हो गया इन सब लोगों का, ये ऐसे? दादाजी, दादाजी क्या हुआ दादाजी को? अंकल क्या हुआ? अंकल बेटा, मैं एक डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उनकी जिंदगी प्यारी है तो उनके लिए एक बहू ले आना। बहू? लेकिन दादाजी, राय साहब। अंकल, अंकल बेटा, तुमने अपने दादाजी की दर्द भरी आवाज सुनी? जी दादाजी। याँ। अब क्या होगा अंकल? बेटे, उनका दिल तड़प रहा है तुम्हारी बहू को देखने के लिए। लेकिन अंकल, इतनी जल्दी इनकी बहू ले आओ, ऐसे कैसे? अब देर मत करो, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो। नहीं नहीं अंकल, लेकिन मैं कहाँ से? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। जाओ कहाँ? जाऊं बांके। उहिरे मेरी माँ, मोहिनी तो अभी तक आई नहीं, अब क्या होगा? कोई बात नहीं बांके, अब तेरे को ही अपनी नौटंकी की इज्जत बचानी होगी। हाँ हाँ हाँ। अरे ठहरो, अरे ठहरो, अरे काय को इतना शोर मचा रहे हो? मैं आ गई हूँ ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांति शांति। मोहिनी अभी तक आई नहीं, लेकिन वो आ जाएंगी। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, जब तक वो नहीं आती, ये बांके है ना आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहने तो है नहीं, और भाइयों तैयार हो जाइए मनोरंजन के लिए। अरे 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 अरे, तुम कहाँ? बाहर आओ, मैं कहता हूँ बाहर आओ। तुमने बांके की लुटती इज्जत को बचाया है, प्लीज बाहर आओ ना। सच 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 सच। अच्छा बोलो, ये बांके तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नौकरी? लो, मांगी भी तो सिर्फ नौकरी। अरे वो तो मैंने तुम्हारा नाच देखते ही दे दी थी। सच भैया? भैया, तुमने मुझको भैया कहा? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन। वो क्या है कि जमाने ने आज तक सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया है, किसी ने मुझे कोई रिश्ते के लायक समझा ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक दोस्त है राज, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया है। अरे बांके, अरे किधर है यार तू बांके? यही है वो राज, आ गया मेरी खुशियां छीनने। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्या है यार? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दादाजी की तबीयत खराब हो गई है और वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि बहू चाहिए बहू चाहिए। इसीलिए मैं तेरे से कह रहा था कि शादी कर ले शादी। मजाक मत कर यार, अब एक बहू का इंतजाम करके दे दे मुझे। अरे मैंने इधर को मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं कहां से बहू का बंदोबस्त करूं? अरे तू ही कर सकता है, ये तू ही कर सकता है। ना बाबा ना। हाँ बाबा हाँ। अरे मुझे कौन सी परमानेंट चाहिए, टेम्पररी चाहिए, भाड़े पे चाहिए। दादाजी ठीक हो जाए वो चली जाए। ओ, छोटी चाहिए लंबी चाहिए मोटी? अरे यार घरेलू टाइप चाहिए, सीधी सादी साधारण। टेम्पररी चाहिए ना? जा मिल जाएगी। मिल जाएगी? हाँ कल सुबह। हाँ चलता हूँ। दादाजी को मेरा प्यार देना। हाँ दे दूंगा, तू भेज देना। हाँ अरे बोल तो दे, लेकिन बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? उई माँ, मालिक मालिक मालिक, बहुरानी आ गई, बहुरानी आ गई। मालिक बहुरानी आ गई, बहू आ गई, देखो। ये सब क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये ले फेंक दिया। अच्छा हो गया, मैं बैठ मेरे पास बैठ। दादाजी मैं सीखा। ये यही आपकी बहू है। अरे तो मेरी तरफ देख। कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादाजी ये सब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं है। अबे साले भागे, तुझे और कोई नहीं मिली थी जो नौटंकी को ले आया? क्यों, उसने तेरे को काट लिया है क्या? अरे सुन, उसे मैं यहाँ पर तेल लेने लेकर आया हूँ। देख
दादाजी अंदर कितने खुश हैं। लेकिन मैं उसे खुश नहीं हूँ। अरे तेरी खुशी को कौन पूछता है, और फिर वो यहाँ पे रहने थोड़ी आई है। अरे कम से कम हमारे घर का स्टैंडर्ड तो देखा होता। जल्दी में इसे बेहतर नहीं मिल सकती थी। और फिर तुम्हारा काम तो हो गया ना। चलो भैया। क्या हुआ? इनके दादाजी सो गए। चलो चाहती हूँ मैं। अरे वाह, लीजिए तेवर तो देखिए, खुद को मधुबाला समझती है। क्या मुझे मधुबाला कहा? अबे तुझे नहीं, तू जा। शाबाश, लेफ्ट राइट चम चमा चम चम चमा चम। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मगर वो तो चलेगी दादाजी। कैसे चलेगी, मैंने अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं। तूने भोगू जाने कैसे दिया? वो अपने घर गई दादाजी। जाओ उसके घर से लेकर आओ उसे, अभी लेकर आ। दादाजी मैं नहीं जानता, अभी लेकर आओ उसे। यार तुम बहुत नाटक करते हो। अरे यार तो क्या खाली बच्चे ही नाटक कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर सकते हैं क्या? निरंजन, इस ब्राह्मण को भिक्षा दे माई, तेरा कल्याण होगा। ठहरिए महाराज, अभी लाई। ये लीजिए महाराज, फल ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ये तो मायावी रेखा लगती है माई, ये ब्राह्मण बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता। भिक्षा देनी है तो इस पार आके दे, इस पार। नहीं नहीं महाराज, इस रेखा को मैं पार नहीं कर सकती, अपने देवर की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। अलग निरंजन, तेरे दर से माई खाली हाथ हम चले, भिक्षा तो ना मिली खाली हाथ हम चले। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना तो बड़े अपशकुन की बात है। नहीं नहीं ठहरिए महाराज, ये लीजिए। रावणा रावणा, मैं रावण हूँ, रावणा सीते। मैं तुम्हें किडनैप करूंगी, किडनैप करूंगी सीते। हट, दादाजी की तबीयत फिर खराब हो गई है, मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। बात बंद करो, आइए सीता को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो राम की थी, राम ले गया। तालियां बोलो श्री रामचंद्र की। अबे नीचे बैठ, मैं कहता हूँ नीचे बैठ। अबे गाड़ी ठुक जाएगी। गाड़ी रोको। क्या कर रही है? मैं कहती हूँ रोको गाड़ी। अरे क्या है, कहाँ ले जा रहे मुझे? अरे दादाजी के पास बोला ना। बकवास मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्लीज। देखो दादाजी बूढ़े हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, इसके लिए तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या सोच रही हो ललिता? जेबी से बचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे सोच क्या रही हो? प्लीज प्लीज प्रिटी प्लीज प्रिटी प्लीज। क्या दे सकते हो? ये गड्डी क्या बोलती है? अब देखना मैं कैसी बहू बनकर दिखाती हूँ हमारे दादाजी को। अरे वाह दादाजी, ये अरे देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी अरे बेटी तू कहाँ चली गई थी और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर मंदिर, आपकी लंबी उम्र के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है, और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ रह जा, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जुग जी बेटा, इसको इसका कमरा दिखा देना। जी ए कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों का नसीब होती है। क्या बहू है। दादाजी आप ये चिकन टेस्ट करके देखिए कैसा है। क्या टेस्टी चिकन। कैसा चिकन? दादाजी भी बीमारी से उठे नहीं हो, तू इतना हैवी खाना खिला रही है। अरे सूप पिलाओ, उबली हुई भाजी खिलाओ, ये सब मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। रखो तक कुछ नहीं मिलेगा, चाय का खाना खिलाओ। मेरा खाना लेगा लेकर अभी लाती हूँ। मालिक मालिक, जब से शिखा बिटिया इस घर में आई है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मालकिन रूप बदल के घर में आ गई है। हाँ दुर्गा ठीक कहती हो, हमें भी ऐसी लगता है। अब तो अगर मिस्टर यमराज भी हमें लेने आया तो हम कह देंगे जाइए कोई और घर देखिए, अभी हमें शिखा और राजकांस्ता खिलता संसार देखना है। हम नहीं आते।